गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमको व्लॉग्स। आज हम दोबारा आए हैं आपको राजगढ़ से जुड़ी हुई खबरों की अपडेट देने के लिए। राजगढ़ के गोल सर्कल से सराय बाजार होते हुए तहसील कार्यालय तक मास्टर प्लान के तहत सड़क मार्ग के दोनों तरफ प्राचीन भवनों सहित करीब 150 दुकानों को LNT और JCB से ध्वस्त कर दिया गया और खंडल में तब्दील कर दिया गया, जिससे बाजारों में मलबे के ढेर लग गए। भवनों और दुकानों को बिना किसी मुआवजा के मास्टर प्लान का हवाला देकर तोड़े जाने से राजगढ़ का बाजार भानगढ़ जैसा नजर आने लगा है। ये मलबे का ढेर तो आप देख ही सकते हैं। प्रशासन की दुकानों व मकानों को तोड़े जाने का लोगों ने बहुत विरोध किया। प्रशासन की इस कार्यवाही से अनेक लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और अनेक लोगों के घर में चूल्हा तक नहीं जल पाया। मास्टर प्लान के तहत भवनों और दुकानों को ध्वस्त किए जाने से पहले रविवार सुबह 6 बजे से ही सिटी वन की विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई, जिसके कारण अनेक स्थानों पर गर्मी के मौसम के चलते जीना दूभर हो रहा है। विद्युत सप्लाई बहाल होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दूसरे दिन सोमवार को भी आवागमन मार्ग पूरी तरह से बंद रहा और बैरिकेड्स लगे हुए थे। इस दौरान SDM केशव कुमार मीणा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल मीणा, पुलिस उपाध्यक्ष अंजलि जोरवाल, SP सहित QRT की दो टीमें, RSC के जवान सहित 172 पुलिस कार्मिक मौजूद रहे। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इतना सारा मलबा पड़ा हुआ था, जिसे उठाने के लिए 3 LNT और आधा दर्जन से ज़्यादा डंपर मंगवाए गए। राजगढ़ के गोल सर्कल से महिला चिकित्सालय तक सड़क मार्ग के दोनों तरफ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त सराय बाजार में मास्टर प्लान के तहत सड़क मार्ग में बाधा बने 3 शिव मंदिरों को भी हटाना पड़ा, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। इसी सराय बाजार में करीब 200 वर्ष पुराने मंदिर को भी हटाना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि शादी समारोह गर्मी के सीजन के दौरान उनकी दुकानों को तोड़े जाने से उनकी धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, और इसके साथ ही कई लोग बेघर भी हो गए हैं। अभिशासक मंडल राजगढ़ की एक आवश्यक मीटिंग मंडल अध्यक्ष सूरजपान सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजगढ़ में मास्टर प्लान के तहत पुराने 3 शिव मंदिरों को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में अभिशासक मंडल राजगढ़ ने सोमवार को सभी स्थानीय न्यायालयों में कार्य स्थगित रखा। इसके साथ ही बिजली भी गुल रही। इतनी गर्मी में बिजली का ना होना कितना दुखदायी है। एडवोकेट भूपेंद्र कुमार शर्मा का कहना है, मास्टर प्लान के तहत तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान रविवार सुबह 6 बजे सिटी वन की विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई, जो सोमवार शाम तक चालू नहीं हो पाई। विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि तहसील से गोल सर्कल तक आगामी 3 दिन तक बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासियों ने रोष जाहिर करते हुए कहा और प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से कार्यवाही करते हुए 100 से 150 साल पुराने कागज और पट्टों के साथ रह रहे लोगों के वैध मकान और दुकानों को मास्टर प्लान का हवाला देकर तोड़ दिया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने लोगों के दुख और दर्द को समझा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।